राजद नेत्री रेणु यादव के नेतृत्व में चलाया गया सदस्यता अभियान, सैकड़ों लोगों ने ली राजद की सदस्यता। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत सहरकुला बाजार पर राजद नेत्री सह गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी रेणु यादव के नेतृत्व में राजद की एक दिवसीय सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान का शुभारंभ दलित समाज के सुदर्शन बैठा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर राजद नेता अशोक राय ने सैकड़ों लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई। राजद की सदस्यता लेने वालों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं राजद से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की अपील की गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, दलित महादलित पिछड़ा सारे समुदाय को, जो लालू यादव जी के राष्ट्रीय हमारे जो लालू यादव जी थे उनके जो वोटर हैं उनको जोड़ना और बिहार के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए यही हमारी टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, अपनी पार्टी को मजबूत करें और आगे बढ़ाने में हम माननीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें, माननीय निशा जी के हाथों को मजबूत करें, माननीय राजमाता रावड़ी जी के हाथों को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें, यही हमारी मकसद। दलित समुदाय से आने वाले सुदर्शन बैठा जी के द्वारा शिविर का उद्घाटन करवाया, उन्हें हमने सम्मानित किया शॉल देके, और हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आह्वान किया। यानी हम एक दलित समुदाय को जोड़ने का काम करेंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे। यह पहला नहीं है, आज ये बसंतपुर प्रखंड का, आज शहर मोलनापुर पंचायत का या सहरकोला गांव है, सहरकोला मोड़ बाजार पर हम हैं। इस चीज को हम हर प्रखंड में जाएंगे, हर उस झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे जहां कभी लालू यादव ने चटाई से उठाकर कुर्सी पर बिठाने का काम किया, हमें मान सम्मान देने का काम किया, जो आज हमारी मान सम्मान को सरेआम रौंदा जाता है, छल प्रपंच से वोट ले लिया जाता है, लेकिन जो मान सम्मान मिलनी चाहिए इस सरकार में, हमें मान सम्मान नहीं मिलता। हम सत्ता से अब आने वाले लगभग 15 वर्षों से अलग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी को सब लोगों ने छोड़ दिया है, निश्चित रूप से बीच में लोग दिग्भ्रमित हुए हैं, उनको तरह तरह के लोभ प्रलोभन में दे करके ये कहा गया है। और राष्ट्रीय जनता दल खास करके इसके नीतियों के बारे में लोगों ने दुष्प्रचार किया है, गलत तरीके से इसका व्याख्या किया है। आज भी गांव के गरीब निश्चित रूप से राजद में और राजद परिवार में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी पर पूरा का पूरा विश्वास यकीन रखते हैं, चूंकि उन्होंने जिस हालात से ये तमाम गरीब गुरबों को, जब 90 के दशक की बात उसके पहले की जब याद आती है, चूंकि यहाँ बहुत सारे अभिभावक बैठे हुए हैं, सभी लोग देखे हैं इस दिन को, अगर बिहार में इन लोगों को एक तरह से आज़ादी तो निश्चित रूप से बहुत पहले मिली हुई थी, लेकिन जो गरीबों को आज़ादी चाहिए थी वो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो लगा कि निश्चित रूप से बिहार के गरीब गुरबा हरिजन अति पिछड़ा ये तमाम समुदाय के जो लोग हैं निश्चित रूप से आजाद महसूस उस दिन से इन्होंने किया।